ये है स्वास्तिक फूड मशीनरी के रोटी बनाने की नई मशीन। इसका आप मॉडल देखिए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज और रेक्टेंगुलर शेप में डिजाइन किया गया है। पिछली बार हमने आपको सर्कुलर शेप में मशीन दिखाई थी। ये मशीन साइज में छोटी जरूर है लेकिन काम में खोटी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ एक घंटे में 700 बिल्कुल गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। अब आपके माइंड में आएगा, रोटी तो तैयार कर देगी लेकिन आटा तो गूंथना पड़ेगा। शायद आप भूल गए हैं कि आप न्यूटेक इंडिया चैनल देख रहे हैं। आटा गूंथने जैसे मेहनत भरे काम को चुटकियों में करने के लिए पेश है आपके सामने ये स्वास्तिक फूड मशीन्स की 2-in-1 फ्लोर नीडर एंड डो बॉल कटर मशीन। ये एक ही मशीन दो काम कर देती है। फ्लोर मिक्स करने के लिए ना तो आपको मिक्सर लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बॉल बनाने के लिए बॉल कटिंग मशीन। ये 2-in-1 मशीन है तो दोनों काम एक ही में हो जाता है। इसका आप साइज देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज की नहीं है। पूरी बॉडी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 से डिजाइन की गई है जो कि फूड मटेरियल के लिए काफी बेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए, एक साइड मिक्सर दिया हुआ है जो मिक्स करता है और दूसरे साइड बॉल कटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसमें आप गूथा हुआ आटा डाल देंगे तो बॉल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले MCB ऑन करना है। ऑन करते ही आप देख सकते हैं इसका मिक्सर चालू हो गया है और यहाँ साइड में बॉल कटिंग मशीन में वार्म भी घूमने लगा है। मिक्सर में सबसे पहले आटा डाल दीजिए। अभी देखिए मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन पानी डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। इससे रोटी का स्वाद और भी गजब का हो जाता है। अब प्रीफर्ड क्वांटिटी में पानी डालते जाइए। डालते समय एक चीज ध्यान रखें, और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि मिक्सिंग होने के साथ साथ पानी डाल रहे हैं। एक ही बार में बिल्कुल नहीं डालना है, जिससे कि आटा अच्छे तरीके से मिक्स होगा। इसकी एक यही क्वालिटी है कि 5 किलोग्राम आटा गूंथने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गूंथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो गया है। इसकी आप क्वालिटी देखिए, जिस तरह हम घर में गूंथते हैं उससे भी अच्छे क्वालिटी में गूंथा हुआ है। अब इसके बगल में लगे हुए इस हॉपर में डाल दीजिए। इसका वार्म तो लगातार चल रहा है। अब यहाँ आगे साइड से आप देखिए, बॉल कटिंग होकर निकल रहा है। ये देखिए, मशीन बिल्कुल सेंसर बेस्ड वर्क कर रही है। जैसे ही डो बाहर आता है ये ब्लेड पीस बाय पीस कट कर देता है। यदि आप चाहें तो बॉल के साइज को भी अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा साइज आप बनाना चाहें उस हिसाब से एडजस्ट करके बना लीजिएगा। ये मशीन सिर्फ एक घंटे में 1200 बॉल रेडी कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 1200। बिल्कुल सेंसर बेस्ड कटिंग हो रही है तो बॉल का साइज भी एकदम बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉल छोटा हो गया है तो कोई बड़ा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब इसमें सूखा आटा मिला दीजिए और बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं। अब देखिए, डो बॉल जिसे हम लोई बोलते हैं एकदम से तैयार हो चुका है। अब रोटी बनाने के लिए इसको बेलना और बेलने के बाद भट्टी में सेकना। इस मेहनत भरे काम को आसान करने के लिए पेश करते हैं आपके सामने एकदम लेटेस्ट एंड स्मार्ट ऑटोमेटिक रोटी मशीन। ये फुली ऑटोमेटिक वर्क करती है। बस आपको यहाँ ऊपर से बॉल रखना पड़ेगा, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए। जितनी पकी हुई रोटी आप बनाना चाहें आपके टेस्ट के अनुसार पका कर एकदम रेडी कर देगी। इसे दो मशीन कंबाइन करके डिजाइन किया गया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रेसिंग मशीन है, इसी में हम बॉल डालते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी सिस्टम दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर बेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। प्रेस होने के बाद ऑटोमेटिकली ही रोटी नीचे बेकिंग प्लेट में आ जाती है। यहाँ पर आपको उठाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बगल में पूरा कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहीं से आप मशीन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसके बगल में आप देखिए, यहाँ पर मूविंग और फिक्स प्लेट का टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, और इसके बीच में इमरजेंसी स्टॉप का एक बटन दिया गया है। बाई चांस यदि कभी इमरजेंसी हो जाती है तो आप आसानी से मशीन बंद कर सकते हैं। तो चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं और इसमें डो बॉल डालकर आपको रोटी बनाकर दिखाते हैं। तो अभी देखिए, इसमें बॉल डाल रहे हैं। जैसे ही फीडर ऊपर आए तो यहाँ पर आप बॉल रख दीजिए। ऊपर से एक एक करके बॉल रखते जाएंगे तो यह मशीन एक लाइन से बेलन करती जाएगी। अभी ये अंदर चला गया है और इसको बेलन यानी कि प्रेस होने में सिर्फ 5 सेकंड का समय लगता है। और ये देखिए, बेलन होकर रोटी कन्वे बेल्ट में आ गई। अभी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसकी आप थिकनेस देखिए, बहुत कम है। एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप चाहें तो 1 mm से लेकर 2.5 mm तक रोटी बना सकते हैं। जितनी मोटी आपको या फिर आपके कस्टमर को पसंद हो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जिस तरह हम घर में LPG से रोटी पकाते हैं, सेम उसी LPG से मशीन में भी रोटी पकती है। तो जो स्वाद आपको घर में मिलता है, सेम वही स्वाद आपको इस मशीन से बनी हुई रोटी में भी मिलेगा। अब यदि मशीन में घर का स्वाद मिल जाए तभी तो बात बनती है। इसीलिए ये मशीन हर जगह चल रही है। इसमें एक दो नहीं बल्कि 3 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं। जिस तरह हम घर में रोटी पकाते हैं तो सबसे पहले तवे में सेकते हैं, वो प्रोसेस प्रेसिंग यूनिट और इस ऊपर वाले कन्वेयर बेल्ट में होती है। इसके बाद रोटी आगे बढ़ते हुए बीच वाले कन्वेयर बेल्ट में आती है।
जिस तरह तवे में पकाने के बाद हम डायरेक्ट आग में सेकते हैं, तो यहाँ पर एक साइड रोटी डायरेक्ट आग में पकती है और उसके बाद तीसरे कन्वे बेल्ट में जाकर दूसरे साइड पक कर बाहर निकल आती है। तो अभी हमने जो कहा कि जो स्वाद है वो घर का मिलता है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मशीन का वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल घर की तरह है। नीचे जो बर्नर लगे हुए हैं, यदि आप फ्लेम बढ़ा देंगे तो रोटी और भी पकी हुई निकलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पकाना चाहते हैं। इसमें रोटी बनाने पर 50% कम गैस यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल 50%, क्योंकि जब आप भट्टी में रोटी पकाते हैं तो वहाँ पर आप एक एक करके रोटी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन से रोटी निकल रही है, तो जितना भी फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा यूज़ हो रहा है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो मेन बेनिफिट तो आपका ही है। ये मशीन लेबर सेविंग है, ऑपरेट करने के लिए एक ही बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी सेविंग है और साथ ही में गैस सेविंग है। इसे बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे कि मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा एकदम कम हो। हालांकि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इसमें आप 25 ग्राम से लेकर 45 ग्राम तक की रोटी बना सकते हैं। साइज की बात करें तो 3 इंच से लेकर 8 इंच तक रोटी बना पाएंगे। आपके मार्केट में जिस तरह रोटी की मांग हो एडजस्ट करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि जब आप छोटी रोटी बनाएंगे तो वहां पर आपका बेनिफिट थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़े साइज की नहीं है। इसका डायमेंशन देखा जाए तो लेंथ 44 इंच, विड्थ 24 इंच और हाइट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 इंच है। तो आपके छोटे से होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन बिजनेस या फिर मंदिर, गुरुद्वारा के भंडारे, लंगर में भी लगवा सकते हैं। मेन चीज़ है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कि सर मशीन तो लगा लेंगे लेकिन प्रोडक्शन कितना करेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मशीन सिर्फ एक घंटे में 700 रोटी बनाकर तैयार कर देती है और इतनी रोटी बनाने में सिर्फ 1.5 किलोग्राम गैस और 1.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। मशीन ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप ऑपरेट कर पाएंगे। बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मशीन चला सकते हैं। अभी आप रोटी की क्वालिटी देखिए, एक लाइन से रोटी बनकर निकल रही है और ये बिल्कुल घर की तरह रेडी हुई है। यदि आपको इस रोटी का टेस्ट लेना है तो कंपनी में आइए और खुद रोटी बनाकर टेस्ट करिए। यदि आपके होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन बिजनेस या फिर मंदिर, गुरुद्वारा में हज़ारों लोग आकर खाना खाते हैं तो वहाँ पर आप ये मशीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन बस कुछ ही घंटों में हज़ारों रोटियां बनाकर तैयार कर देगी। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि न्यू टेक इंडिया सिर्फ एक ऐसा चैनल है। यहाँ पर आपको फूड मशीन, एग्रीकल्चर मशीन, कंस्ट्रक्शन मशीन या फिर आपके घर के किसी भी मुश्किल भरे काम को आसान करने के लिए हर तरह की छोटी बड़ी मशीन अवेलेबल है। तो हमारे कहने पर नहीं, खुद से एक बार जाइए और इन सभी मशीन्स को देखिए। हो सकता है कोई एक छोटी सी मशीन आपका काम आसान बना दे। कंपनी में आपको और भी मॉडल की मशीन मिल जाएंगी जो सिर्फ एक घंटे में 1200 चपाती तैयार कर देती हैं। मतलब समझ रहे हैं, 8 घंटे मशीन चला लेंगे तो लगभग 9 से 10 हज़ार रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आप मशीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके मशीन का लेटेस्ट प्राइस जानने के साथ साथ बुक भी करवा सकते हैं। एक बार कॉल या व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नीचे प्राइस के लिए कमेंट मत करिएगा। ये जो रोटी तैयार हुई है इसकी आप क्वालिटी नीचे मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं, तुरंत करिए, बाद में आप भूल जाएंगे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही नई नई मशीन वीडियो पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे पापड़ बनाने की मशीन वीडियो में।